देवेंद्र जी, प्रभु श्री राम के लिए आप 20 साल की उम्र में जेल गए, जैसे कि आपने कहा कि आपने तीनों कार सेवा की है। तो जो 1990 की जो पहली कार सेवा थी, जब मुलायम सरकार थी और उन्होंने नारा दिया था कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता, तो आप उसमें शामिल थे। कैसे आप इस आंदोलन से जुड़े, कैसे उस पहली कार सेवा के रोंगटे खड़े देने वाले कुछ अनुभव है आपके पास, वो बताइए। देखिए, मूल रूप से मैं जब रामशिला पूजन का कार्यक्रम 89 में शुरू हुआ, 89 में शुरू हुआ, तो उस समय मैं खंड प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा था, और जो मेरे उपखंड थे वहाँ पर रामशिलाओं को ले जाना, समितियाँ तैयार करना, उसका पूजन करना, लोगों के घरों तक शिलाओं को ले जाना, ये सारा काम मैंने किया। और जिस समय ये कार सेवा हुई, मुलायम सिंह जी जिस समय मुख्यमंत्री थे और कार सेवा के लिए सबको बुलाया गया, तो मुझे भी कहा गया कि आपको भी वहाँ जाना है। मैं तो जाना ही चाहता था, लेकिन हम लोग तो आदेश को मानने वाले लोग हैं, तो जब मुझे कहा कि आप जा सकते हो, तो हम लोग उस समय विद्यार्थी परिषद का भी मैं काम करता था, तो एक 30-एक लोगों का हमारा ग्रुप था जो जिसको लेकर हम लोग गए। और हम लोग प्रयागराज ने इलाहाबाद में वहाँ पर गए, नागपुर से ट्रेन में हम लोग गए, बगैर टिकट ही जाते थे, राम टिकट निकाल कर सारे लोग जाते थे, तो राम टिकट निकाल कर ही यानी हम लोग सारे थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठकर, अपने जनरल डिब्बे में बैठकर वहाँ चले गए। अब कभी उत्तर प्रदेश देखा नहीं था, कभी इलाहाबाद देखा नहीं था। हमको एक कहा था कि उतरने के बाद आप लोग ऐसा कीजिए कि देवराहा बाबा का जो आश्रम है उस आश्रम में आप लोग जाइए, और वहाँ पर आपको आगे की सूचनाएँ मिलेगी। वहाँ पता चला कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो फिर साथ के सब लोगों को हमने एक जगह बैठाया, और मैं और एक मेरे मित्र है उदय डबले, हम लोग दोनों देवरा बाबा के आश्रम तक धीरे धीरे पूछते पूछते पहुंचे। तो वहाँ जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि देखिए, सारे रास्ते तो सील हो गए हैं, अब तो यूपी के लोग ही पहुंच पाएंगे, आप तो नए लोग हैं, तो ये जो बाकी कार सेवक आ रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई है कि अब ये सारे के सारे कार सेवक शाम को रोज हम लोग सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह में वो सत्याग्रह करते हैं और पुलिस उनको हिरासत में लेती है, तो आपको हिरासत में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आया, हमारे लोगों को लेकर बैठा। मैंने कहा इस प्रकार के आदेश है, मैंने कहा आदेश तो जरूर है, लेकिन मैंने तो तय किया है कि मैं जाऊंगा, तो इसलिए मैं तो कोई आज हिरासत में जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगे जाने वाला हूँ, तो जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो साथ में चल सकते हैं। तो कुछ लोग तैयार हुए, एक दो लड़कियां भी थी, मैंने उनको कहा कि आगे क्या परिस्थिति है पता नहीं है, तो फिर सब लोग बचे हुए, 7 लोग हम लोग तैयार हुए, और बचे सभी लोगों का शाम को उनका सत्याग्रह करके पुलिस ने उनको अपने हिरासत में लेकर वहाँ मेकशिफ्ट जेल तैयार किए थे कॉलेजेस में इधर उधर, उसमें उनको लेकर चले गए। हम लोग उसके बाद फिर हमने तय किया था आगे बढ़ेंगे, तो अब कैसे बढ़ेंगे, तो देवरा बाबा के आश्रम के थोड़ा आगे एक सीताराम मंदिर था, उस मंदिर पर हम लोग कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो मंदिर देखा तो अंदर चले गए, तो जो मंदिर में पुजारी बैठे थे उनको कहा कि महाराज जी, हम लोग कार सेवक हैं और हमको जाना है, लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं हो रही है, तो हमको रहने के लिए जगह चाहिए। तो बोले अपना मंदिर है, रह लो। तो मंदिर में रह लिए, तो मंदिर में ऊपर ऊपर की मंजिल पर मतलब हम लोग सोने के लिए जहाँ गए, खुला आसमान था ऊपर, अब हमको आदत ही नहीं थी उस और समय, अक्टूबर का जो महीना होगा शायद। बहुत सर्दी थी, हाँ हाँ अक्टूबर का महीना था शायद, इतनी सर्दी थी वहाँ पर, रात में पूरे अकड़ गए। फिर दूसरे दिन हमने, महाराज बेचारे दिन भर हम भजन करते थे, संगम पर स्नान करते थे, महाराज जी हमको नाश्ता भोजन सब मंदिर में करवाते थे, तो फिर महाराज जी ने हमको एक कोना दिया अंदर में, जैसे कुछ दिन निकाले, और फिर ये पता चला कि अब अगर जाना है तो शंकराचार्य जी ये पैदल जाने वाले थे, उनके साथ आप जा सकते हो, और हमने कहा जाएंगे, तो शंकराचार्य की जी के साथ हम लोग निकले, 8-10 हज़ार लोग कुछ होंगे, और सारा कारवा ये शंकराचार्य जी के नेतृत्व में पैदल 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 निकला, और काफ़ी समय तक हम लोग पैदल चले, और फिर एक समय आया कि एक नदी का पुलिया आया, इस पुलिया पर सारा के सारे कारवा को आने दिया, और फिर दोनों तरफ से पुलिस ने सील किया, और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, हवाई फायर चालू कर दिए, और शंकराचार्य जी को निकाल कर वो लेकर चले गए, और फिर बाकी कार सेवकों के ऊपर उन्होंने एक जोर जबरदस्ती शुरू की, और फिर काफ़ी समय तक वो चला, कुछ लोग नीचे कूदे, कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे, और बाद में फिर सब जब ठंडे पड़े तो फिर बसेस लाई थी उन्होंने, सारे लोगों को बसेस में बैठाया। लोग गोलियों की बौछार, हाँ लाठी चार्ज हाँ और वो सब कुछ पहली बार देखा था मतलब। जिंदगी में किस प्रकार से फायरिंग होता है, देखा नहीं था, हवाई फायर थे, लेकिन निश्चित ही वो ऐसे थे कि शायद एंगल चेंज हो जाता,
हाँ तो कुछ और हो जाता, बसेस में हम लोगों को बैठा है। भी मतलब मारे गए थे, नदी में कूदे थे वगैरह, तो बिल्कुल कूदे थे। अब ये है कि बाद में तो कई अफवाहें सुनने को मिली, हम लोग तो नहीं थे, तो एक्चुअल क्या हुआ, और उस समय इतना मीडिया भी नहीं हुआ करता था, तो कुछ लोग कहते हैं कि लोग मरे भी, कुछ कहते हैं कूदे भी, कुछ कहते हैं किसी को चोटें भी आई, पर जो भी खैर हुआ हो, तो ये बसेस से, बसेस को बंद किया, उन्होंने सीधा हमको बदायूं लेकर गए, और फिर वहाँ का जो जिला जेल, सेंट्रल जेल बदायूं है, उस जेल में हम लोगों को डाल दिया। तो कई दिनों तक हम उस जेल में रहे, और देखिए लोगों का इतना प्यार मिलता था कि वहाँ पर भी कर्फ्यू चलता था, फिर कर्फ्यू समाप्त होता था तो लोग खाने पीने की चीज़ें जेल में भेज देते थे, और हम लोग जेल के अंदर भी संघ की शाखा लगाते थे, वहाँ गाने बोलते थे, जेल में हम लोग भाषण करते थे, तो हमने बहुत हनुमान चालीसा गाते थे, तो बहुत अच्छा समय हमने जेल में भी काटा। और बाद में फिर जब सारा वो हुआ तो हमको जेल से रिहा किया गया, तो वापस राम टिकट लेकर हम लोग वापस आ गए।